हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही है जो कि मंत्रालयों को जो कल शपथ ग्रहण हुआ था, सभी मंत्री को मंत्रालय, चाहे वो कैबिनेट मंत्रालय हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हो या राज्य मंत्री दिया गया है। तो इससे संबंधित कई प्रश्न हैं जो कि BPSC हो, UPSC हो, BSSC हो या सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, SSC, तो उसमें पूछने की काफ़ी संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूले। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो प्रधानमंत्री तो हैं ही ये, और प्रभार मंत्री के रूप में भी ये कार्य करेंगे। इसके अलावा क्या है? कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। उसके बाद कौन सा मंत्रालय इनके पास है? परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे, ये सब मंत्रालय जो कि इनके पास अभी भी हैं। अब सब जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, कैबिनेट मंत्री पूछा जाता है कि कौन से मंत्रालय किनको दिया गया है। तो रक्षा मंत्री किन्हें दिया गया है? तो राजनाथ सिंह को। गृह मंत्रालय किन्हें दिया गया? अमित शाह को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन जयराम गडकरी को दिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय DV सदानंद गौड़ा को। वित्त तथा कॉरपोरेट मामले मंत्रालय निर्मला सीतारमण को। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रामविलास पासवान, ये बिहार से संबंधित हैं रामविलास पासवान। फिर नरेंद्र सिंह तोमर को कौन सा मंत्रालय दिया गया? कृषि, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय। कानून, न्याय, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किन्हें दिया गया है? तो रविशंकर प्रसाद को। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय हरसिमरत कौर बादल, ये पंजाब से संबंधित हो, और रविशंकर प्रसाद भी बिहार से संबंधित हैं। उसके बाद आते हैं 10वें नंबर पर जो है, तो थावर, ये सब कैबिनेट मंत्रालय है। थावर चंद्र गहलोत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इन्हें दिया गया है। फिर 11 डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ये विदेश मंत्रालय, तो इसे पूछ सकता है परीक्षा में कि विदेश मंत्रालय किसे दिया गया, तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को। फिर 12 रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया है। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामले के मंत्रालय दिया गया है। स्मृति जुबिन ईरानी को महिला और बाल विकास और कपड़ा मंत्रालय दिया गया, ये पुरान पहले भी इसी मंत्रालय पर थी। डॉक्टर हर्षवर्धन है जो कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को दिया गया। प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण, वन और सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया गया। पीयूष गोयल को रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, तो पूछ सकता रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो पीयूष गोयल पहले भी यही थे। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक तथा इस्पात मंत्रालय दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामले का मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को संसदीय मामले और कोयला तथा खान मंत्रालय दिया गया है। फिर है महेंद्र नाथ पांडे को कौशल विकास और उद्यमता मंत्रालय दिया गया है। अरविंद गणपत सावंत को, ये शिवसेना संबंध है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दिया गया। गिरिराज सिंह जो बिहार से संबंधित है, इन्होंने कन्हैया कुमार के खिलाफ बेगूसराय से लड़ा था, उन्होंने काफ़ी बड़ी जीत हासिल भी की थी। तो पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय गिरिराज सिंह को बनाया गया। जल शक्ति मंत्रालय जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत। तो कैबिनेट मंत्रालय कितने लोगों को दिया गया? तो 24 लोगों को दिया गया है। अब आते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो श्रम और रोजगार मंत्रालय संतोष कुमार गंगवार को दिया गया है। सांख्यिकी कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राव इंद्रजीत सिंह को। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा आदि मंत्रालय श्रीपद येसो नाइक को। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास का मंत्रालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। युवा और खेल मंत्रालय है जो कि किरेन रिजिजू को, तो ये इम्पोर्टेंट है, खेल मंत्री किसे बनाया गया? तो किरेन रिजिजू हो जाएगा। संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय प्रहलाद सिंह पटेल। ऊर्जा मंत्रालय राजकुमार सिंह को। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को। और फिर है 9वां जहाजरानी मंत्रालय मनसुख एल मंडाविया को, तो 9 है जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बनाए गए। अब राज्य मंत्री किन्हें बनाया गया है? तो इस्पात मंत्रालय जो कि किन्हें दिया गया? फग्गन सिंह कुलस्ते को दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जो कि अश्विनी कुमार चौबे। संसदीय कार्य मंत्रालय व भारी उद्योग अर्जुन राम मेघवाल को। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जनरल VK सिंह को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किन्हें दिया गया? कृष्ण पाल गुर्जर को। उपभोक्ता मामले के मंत्रालय दानवे राव साहेब दादराव को। गृह मंत्रालय G. किशन रेड्डी को, ये सब राज्य मंत्री हैं। कृषि और किसान
कल्याण मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाला को, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय रामदास अठावले को दिया गया है। फिर है ग्रामीण विकास राज्य मंत्रालय किसको दिया गया, साध्वी निरंजन ज्योति को। पर्यावरण और वन मंत्रालय बाबुल सुप्रियो को। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन संजीव कुमार बालियान को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय धोत्रे संजय को। वित्त तथा कॉरपोरेट मंत्रालय अनुराग सिंह ठाकुर को। रेल मंत्रालय अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा को। गृह मंत्रालय व जल शक्ति मंत्रालय नित्यानंद राय को। जल शक्ति मंत्रालय रतन लाल कटारिया को। विदेश और संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन को। जनजातीय मामले रेणुका सिंह सरूता को। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सोम प्रकाश को। खाद्य प्रसंस्करण रामेश्वर तेली को दिया गया है। पशु संवर्धन व एमएसई मंत्रालय प्रताप चंद्र सारंगी। और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कैलाश चौधरी। और महिला और बाल विकास मंत्रालय देवाश्री चौधरी। तो ये टोटल कितने हो गए, 24 कैबिनेट मंत्री और 9 है जो कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और राज्य मंत्री कितने 24। तो टोटल कितने लोगों की आज जो है ये हुई, एक मंत्रालय मिला है, तो 24 × 48 हो गया, और 9 57 लोगों का है। तो ये लिस्ट याद रखें और कंटिन्यू याद रखें, जिससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो आगामी परीक्षाएं बीपीएससी की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे एसएससी की हो, या राज्य स्तरीय या सेंट्रल स्तरीय एग्जाम है, उससे भी पूछ सकते हैं, मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके है और एकदम करेंट है, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और बार बार पढ़ें, भुला जाने पर, क्योंकि एक बार पढ़ने से याद नहीं रहेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।